सर बताएं, राजस्थान में दो बड़ी दिग्गज पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी आपके सामने है, और इस बार हनुमान बेनीवाल जी ने जो पार्टी से आपको उतारा है, क्या एजेंडा रहेगा जीतने का, क्या प्रयास रहेगा कि इन दोनों पार्टियों से आप ऊपर चढ़ कर आएँ? आपने कहा दो दिग्गज पार्टी हैं, तो ये आरएलपी दिग्गज पार्टी है। अभी ये दोनों पार्टियों से नागौर जिले में बहुत ज़्यादा जनादार है, और मेरे जीत का तो मेरे साथ 36 वोट मेरे साथ है, और मैं नागौर का लोकल आदमी हूँ। 15-20 साल से मैं कांग्रेस में भी काम किया मैंने मजबूती से, तो लोगों की एक सहानुभूति है मेरे साथ, और खिलाड़ी रहा हूँ। इस खिलाड़ी रहने के कारण पूरे क्षेत्र में मेरी अच्छी पहचान है, पकड़ है, और 15 साल से लोगों के बीच में हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से विजेते हैं मेरी। जिस प्रकार से आपके पूरे राजस्थान में कैंडिडेट को उतारे गए हैं, कितनी सीटें लगभग अनुमान है आपके आने की? हमारे 67 सीटों पे हमने कैंडिडेट उतारे थे, जिसमें 7 फार्म वापसी हो गई, और 60 पे हम लोग लड़ रहे हैं, 40 पे बहुत मजबूत स्थिति है। नागौर में इस बार कांग्रेस से हबीबुर रहमान को टिकट दिया गया, और पहले भारतीय जनता पार्टी से दिए, तो इस बार उनके मुकाबले आपकी क्या स्थिति रहेगी? देखो, कांग्रेस का तो कैंडिडेट नागौर में है ही नहीं, दोनों ही बीजेपी के, मोहनराम जी बीजेपी के हैं, हबीबुर रहमान जी बीजेपी के हैं, तो आप उनको कांग्रेस की दृष्टि से देखो मत। सिंबल जरूर है उनके पास, लेकिन कांग्रेस के लोग भी मुझ में कांग्रेस ही देख रहे हैं, तो ये भी कोई दूसरा नहीं, दोनों ही पार्टियों ने बीजेपी के कैंडिडेट है दोनों, कांग्रेस है नहीं नागौर में, इस बार आरएलपी है। जनता से किस प्रकार का जुड़ाव है आपका, जो आपके समर्थन में आपको वोट दे? जनता के बीच में 20 साल से लोगों की सेवा कर रहे हैं, मैं सेवा कर रहा हूँ, मेरा परिवार कर रहा है, और लोगों को बिल्कुल मैं अमानत स्वराज, मेरा मकान है, 24 घंटे मेरा फ़ोन खुला है, 24 घंटे मैं उनके साथ सेवा में हूँ, जैसा भी हूँ उनके साथ जाता हूँ, काम करवाता हूँ। मुकाबला किससे सीधा मानते हैं आप? मुकाबला तो त्रिकोण ही मानता हूँ, कुछ भी हो सकता है, डायरेक्ट फाइट में कोई नहीं है।